हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर एंड कर चुके हैं, है ना। तो जो अब चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा, बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे। अवर एनवायरनमेंट तो देखो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर इसको ढंग से पढ़ाया जाए तो। नहीं तो बोरिंग ही लगेगा कि सब पढ़ चुके हैं बायोटिक एबायोटिक, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कुछ देर पहले, है ना। तो ऐसा नहीं है, अभी आप सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि यह होता क्या है ना, कि अवर एनवायरनमेंट है क्या। तो बेटा सुन लीजिए, जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, हमारे आसपास जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड समझते हो माउंटेन रिवर सड़कें, जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है और साथ के साथ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बेटा बायोलॉजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है, जितने भी हमारे आसपास बायोलॉजिकल थिंग्स रहते हैं, जैसे फिश, कुछ भी जीव जंतु, इन सबको जब कंबाइन कर देते हैं, इन सबको मिला देते हैं, तो बेटा यही क्या कहलाया जाएगा, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है माहौल, कि हम कहाँ रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं। यानी बेसिकली अगर हम बात करें अवर एनवायरनमेंट, तो जितना भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, अभी समझाऊंगा, और साथ के साथ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, दोनों में अंतर है। फिजिकल वर्ल्ड अलग होता है और बायोलॉजिकल वर्ल्ड अलग है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या आता है, जिनको हम यूज करते हैं जगह जगह वेरियस पर्पस से। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरा जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें वो क्या होगा, ये रेफ्रिजरेटर, ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये लैपटॉप, ये सब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। अब इनके साथ साथ मेरे घर में कौन रहता है, फैमिली रहती है, बायोलॉजिकल, यानी कि जैसे दादाजी दादी मम्मी पापा, इन दोनों को मिला के मेरे घर का क्या बना है, एक एनवायरमेंट बना है। अगर मान लो घर में मैं केवल फिजिकल चीजें रख दूं, रेफ्रिजरेटर टीवी सब, और इंसान ना रहे, तो क्या वो फायदा है एनवायरमेंट का, नहीं ना। और उसी तरीके से मान लो इंसान रह रहे हैं घर में, सब रह रहे हैं, लेकिन ना तो फ्रिज है, ना टीवी है, ना बेड है, कुछ भी नहीं है, केवल जगह है, वो भी बेकार है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही मदद से क्या बनता है, एनवायरमेंट बनता है। और तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो बेटा एनवायरमेंट का मतलब बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं वही क्या कहलाया जाएगा, अवर एनवायरमेंट। तो पहली बात समझ में, एनवायरमेंट होता क्या है ना। तो लिख लीजिए इसमें, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे इंट्रोडक्शन लिख के, द फिजिकल, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे सभी, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सुन लो, चाहे वीडियो देखनी पड़ेगी फिर आपको। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव is called our environment। मैं रिपीट कर रहा हूं जिसका मिस हुआ है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड अवर एनवायरमेंट। समझ गए। अब बेटा बात आती है कि ये क्या है, कहने का मतलब, तो देखिए ये जो भी हमारा एनवायरमेंट है, ये अपने अंदर इंक्लूड करता है हमारे आसपास की फिजिकल सराउंडिंग, जैसे हवा, एयर, हमारे एनवायरमेंट में होती है नहीं होती है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज, सॉइल, ये सब क्या कहलाया जाएगा, हमारी आसपास की फिजिकल सराउंडिंग। आपने देखा होगा आपके आसपास एयर है, और एयर को बायोलॉजी में किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है, जगह जगह पानी है, वाटर बॉडीज है, हमारे आसपास ही गंगा जी है, ग्राउंड के नीचे पानी है, यानी बहुत सारी वाटर बॉडीज है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोस्फेयर, जिसको, और साथ के साथ हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी जमीन है, लैंड है, तो उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो बेटा इन सब को ही, यही तीन चीज क्या कहलाई जाती है, मेरी फिजिकल सराउंडिंग, जो मैंने बोला ना फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, यही तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड हुआ, पानी, धरती, हवा, ये सब किस में आता है, फिजिकल सराउंडिंग में आता है। तो जो एनवायरमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है बेटा, आपका अपने साथ क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल सराउंडिंग, जैसे कि हवा, पानी और धरती, और साथ के साथ ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डीकंपोजर्स, ये सब मिलके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मैंने बताया था ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है वो कौन कौन सी है, फिजिकल सराउंडिंग, जैसे कि हवा, आपने देखा होगा चारों तरफ हवा है, पानी, लैंड,
ठीक है, और साथ के साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके हम लोग प्लांट्स एनिमल्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियास जिसको हम कहते हैं डीकंपोजर्स। और बेटा याद रखना ये सब चीज आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, बैक्टीरिया प्लांट्स पे डिपेंड है, यानी हम सब एक दूसरे पे क्या रहते हैं बेटा, डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। बेटा इस धरती पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिवाय हम लोगों के, केवल ह्यूमन बीइंग्स ही एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कैसा भी कुछ भी काम कर लेते हैं आज के टाइम में। लेकिन ना तो कभी प्लांट्स करता है, ना ही कभी कोई एनिमल करेंगे ह्यूमन बींग को छोड़ के, ना भी कोई कोई बैक्टीरिया, ये सब अपना काम प्रॉपर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सबके सब, लेकिन ह्यूमन बींग सब बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हम एक इकलौते ह्यूमन बींग हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं, बाकी हम भी उन्हीं की मदद से हैं। याद रखना अगर इसमें से कोई भी एक चीज गायब हो गई तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पूरा का पूरा। अगर पानी नहीं हुआ तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हवा नहीं हुई तो एनवायरनमेंट तब भी हमारा पूरा नहीं माना जाएगा, लैंड नहीं हुई तब भी माना जाएगा, उसको यूज करने वाले नहीं हुए जैसे हम लोग तो भी क्या माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि एनवायरनमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा एक पूरा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और अपने आस पास के सराउंडिंग में जो भी फिजिकल चीजें उनको यूज करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो हमें यही चैप्टर में पढ़ना है कि कौन किस पे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, क्या डिपेंड है, कैसे क्यों है डिपेंड, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिकम्पोजर्स का क्या काम है, हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यही इसका इंट्रोडक्शन था। तो अगला पॉइंट लिखिए, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स, देखिए द एनवायरमेंट सभी लिखते चलिए मेरे साथ बच्चों, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिखते चलिए पेन कॉपी लेके बैठा करिए, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर कॉमा वॉटर बॉडीज कॉमा सॉइल, like air, comma water bodies, comma soil, and all the organisms, मैं रिपीट करूंगा जिसको भी नहीं आया समझ में चिंता मत करो, ठीक है रिपीट करेंगे अभी, and all the organisms such as plants, and all the organisms such as plants, comma animals, comma human beings and microorganisms, human beings and microorganisms like bacteria and fungi, जिसको भी लिखो ब्रैकेट में decomposers के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं रिपीट करूं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस एनवायरमेंट में हर लिविंग बींग आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, सब एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को खाते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन हम ही ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो ये बैलेंस बिगाड़ते हैं, जिसके वजह से आज हमें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो याद रखना, तो ठीक है जो भी हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट पे वो हम ही है और कोई नहीं है, कोई और जीव जंतु नहीं करता, केवल हम ही कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या करा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, या अपने पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, ढंग से कपड़ा पहनने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। आपने देखा होगा आज कितना बड़ा बिजनेस चलता है ह्यूमन बींग्स के बीच में, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है। ठीक, तो यही वाला काम है। तो यही अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज की वजह से हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट था वो बेसिकली बैलेंस नहीं रह पा रहा है और दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक डालिए, बायो डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो अगला टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
क्योंकि हमें इस चैप्टर में हर चीज पढ़नी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो के बारे में। तो बेटा इस धरती पर जितने भी वेस्ट हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस धरती पे जो हम लोगों की वजह से जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो दो तरीके का होता है, या तो बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब या तो जहरीला होता है या इतना हार्मफुल नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस धरती पे जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली कुछ के लिए तो बहुत जहरीले होते हैं और कुछ के लिए कम होते हैं। तो इनको मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। सबसे पहला ग्रुप क्या है, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा ग्रुप क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सुन लीजिए बेटा मेरी बात, इनको बारी बारी पढ़ाऊंगा मैं, और कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे, बेफिक्र होके, ठीक है। सुनिए, वो वेस्ट मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा नहीं होते, जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करते, पॉइजनस नहीं बनाते, और कुछ समय बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं, ऐसे वेस्ट को क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कि दोज वेस्ट, वो कूड़ा, वो वेस्ट मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को जहरीला नहीं बनाते हैं, जो जब टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं, और कुछ समय बाद बैक्टीरियास की मदद से, जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरियास की मदद से खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, ऐसे वेस्ट को क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो हमारे, जैसे हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है, सब्जियों का छिलके होते हैं, जो घरों का कूड़ा कचरा होता है ना, आपने देखा होगा रोड पे गए होंगे तो दो कूड़े रखे रहते हैं, एक तो ग्रीन कलर का और एक ब्लू, तो वो यही है कि बायोडिग्रेडेबल के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए बेटा इसमें बायोडिग्रेडेबल के बारे में, दोज वेस्ट मटेरियल्स, इसके बारे में लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं साथ के साथ ताकि आपको समझ में आए, दोज, बेटा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, दोज वेस्ट मटेरियल्स, दोज वेस्ट मटेरियल्स Which can be broken, सुनते रहिए सब मेरी बात ध्यान से, which can be broken down to non-poisonous substance in the nature by the action of microorganisms, by the action of microorganisms are called biodegradable waste। समझ गए क्या कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा वेस्ट जो बैक्टीरियास के द्वारा तोड़ दिया जाता है किसमें, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, कोई भी ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तोड़ दिया जाता है किस में, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ब्रोक डाउन होने पे कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, क्लियर है, लिख लीजिएगा बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिख लीजिए, दे आर हार्मलेस, क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं बेटा, हार्मलेस, ये कोई नुकसान नहीं देते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बेटा कोई नुकसान नहीं देते, लिख लीजिए, जैसे गाय का गोबर होता है, कैटल डंग, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो है एक तरीके से, है तो वेस्ट ही ना, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी डिकम्पोज होने के बाद कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कैटल डंग, कंपोस्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए एनिमल बोन्स, लेदर, मैं लिख देता हूँ, वुड, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, वुड, पेपर, सुना होगा आपने पेपर गल जाता है कुछ समय बाद, खराब खत्म हो जाता है पूरा, है ना, वुड, पेपर, कॉटन ग्रास जो घास होती है, फ्रूट, ठीक है, लीव्स, फ्लावर्स, केक्स, लीव्स एंड फ्लावर्स एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ये सभी वेस्ट कैसे होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, चल गया होगा पता क्यों, ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। ठीक है,
बेटा याद रखना ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, लेकिन अगर हमने इसको ज्यादा मात्रा में कर दिया, समझ रहे हो, आपने वेस्ट करा, ठीक है, नुकसान नहीं देते, लेकिन आपको पता है जब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो वो हार्मफुल होती है ना। तो उसी तरीके से अगर ये भी ज्यादा अमाउंट में हो गए, हमने ज्यादा अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो ये भी हमारे नेचर के लिए बहुत खतरा है। और ये उस केस में क्या करेगा बेटा, पॉल्यूशन। रीजन, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, मगर एक टाइम पे तो सारी चीज डिकम्पोज नहीं हो पाएगी ना, तो लंबे समय के लिए वो ऐसी की ऐसी रहेंगी, और लंबे समय से ऐसी रहने की वजह से वो पूरी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे और हमारे एनवायरमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूटेड करेंगे। तो लिख लीजिए इस वाले वाले पॉइंट को बस लास्ट, और इसको खत्म करते हैं। These waste pollute the environment. Last point लिख लीजिए सभी बच्चे। These waste pollute the environment only when their amount is large. क्योंकि वो सही समय पे डिकम्पोज नहीं हो पाते, हो तो जाएंगे कुछ समय बाद जब बैक्टीरिया आएंगे, मगर सही समय पे नहीं हो पाएंगे, है ना। लिख लीजिए विच कैन नॉट बी, यूजर लिख लिया, व्हेन देयर अमाउंट इज लार्ज, बस। अब हेडिंग डालिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जस्ट इसका अपोजिट, मैं रिपीट करो, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो डीकम्पोजर्स ब्रेक नहीं कर पाते, जो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में नहीं टूट पाते, हार्मलेस नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं और लाखों सालों तक ऐसे ही रहते हैं, बैक्टीरियाज उनका कुछ नहीं कर पाते, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैनॉट बी ब्रोकन इन टू द नॉन पॉइजनस सब्सटेंस या फिर हार्मलेस, वो वेस्ट जो हमारे नॉन पॉइजन